जी क्या बात। मैं डॉक्टर साहब की थोड़ी सी करेक्शन करना चाह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के आखिरी जो साल था ना इनकी हुकूमत में, उसका जो जीडीपी ग्रोथ थी 3.7% थी। ये इनकी एवरेज बताते हैं 2.8% वो एवरेज थी। और जब पीएमएलएन की हुकूमत आई है तो इनके पहले साल में 4.1% थी। तो 3.7 में और 4.1 में या 4 में कोई फर्क नहीं होता। इतनी तो कितनी थी जब ये गए हैं तो 5.8 है, विच इज अ गुड नंबर। लेकिन पीपल्स पार्टी का इतना खराब नहीं था जितना उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये कि ये जो फरमा रहे हैं कि 0.4 या 0.5% उसका सर्कल डेट में ऐड हुआ था, ये बात गलत है। अगर वो उसका इफेक्ट टोटल निकाल दे, जो वजारत खजाना के जो डॉक्यूमेंट्स आज भी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, मिनिमम डॉक्टर साहब वो 1.5% ऑफ जीडीपी। आप आज जो बजट डेफिसिट छोड़ के गए हैं, ला रहे हैं क्योंकि मैं आप देख नहीं पा रहे, मैं देख रहा हूं। आप आज जो बजट डेफिसिट छोड़ के गए हैं वो उससे ज्यादा है, वो नेट उससे ज्यादा है। जल्दी से जाओ। सॉरी, मैंने शहबाज, मैंने यही कहा कि एवरेज ग्रोथ पीपल्स पार्टी में 2.8% थी। और हमारी जो हमने कहा हमारी एवरेज ग्रोथ ज्यादा इस साल 5.8% है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात जो मैं कह रहा था फैक्चुअली एकदम ट्रू है। सेकंड बात जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली थोड़ी गलत है, माजरत के साथ। जो जीडीपी के आप जो 480 अरब रुपए से जो उसमें डेफिसिट कम हुआ है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की जो बुक्स पे जो लोन लिया गया था या जो आया था वो 125 अरब रुपए था। बाकी पावर होल्डिंग में था जिसके अंदर हमने जो हम डेफिसिट में नहीं गिनते। तो पावर होल्डिंग तो पीपल्स पार्टी के जमाने में भी था और अब भी है, लेकिन उसको हम डेफिसिट में नहीं गिनते। तो हम मैं जो कह रहा हूं कि 0.4% एड हुआ था, दैट इज ट्रू। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शिवी साहब आप बात कर लीजिए, फिर मैं जायद साहब आपसे सवाल ले। सर फरीद पराजा साहब और सैर कामरान साहब समझेंगे जी। ठीक, मैं इनको जरा करेक्ट करना चाहता हूँ। देखिए, मिस्टर साहब ने जिक्र किया एक्सपोर्ट्स का, और अगर मुझे अफसोस होता है अगर ये अंडरस्टैंडिंग है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कि आपने दो साल पहले डिवैल्यू नहीं किया था, तो मेरा ख्याल है ये बड़े ही एक सोच का सीरियस तश्वीश का मकाम है। एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ती इस वजह से नहीं है कि आप डिवैल्यू से बढ़ेंगे। आपको पता है कि जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल की, जिस तरह 60% के करीब है, आप पिछले 12 साल में 1.2 और 1.1 की में रेंज बाउंड रहे हैं आपकी जो एक्सपोर्ट्स है टेक्सटाइल, इसलिए कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं किया, आपने इंजीनियरिंग गुड्स नहीं शामिल किया, आपने एक ही उस पर फोकस रखा, उसमें ना कोई रिफॉर्म हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बैठ गई। एज अ रिजल्ट आपकी जो पूरी एक्सपोर्ट की जो इमारत थी वो आपने एक टांग पे खड़ी हुई थी और वो थी टेक्सटाइल की। उसमें न कोई इनोवेशन हुई है, न उसमें डाइवर्सिफिकेशन हुई है, न उसमें कोई वैल्यू एडिशन हुई है। उसकी वजह से वो आपका एक खोखला था, जस्ट बिकॉज आपने सिर्फ डिपेंड किया डीवैल्यूएशन पे, या आपने जो 180 अरब रुपए का कहा कि आपने जो है तो एक स्पेशल पैकेज दिया है जिसको कि पूरा तरह दिया भी नहीं। 200 बिलियन रुपीस के जो एक्सपोर्ट्स रिफंड पड़े हुए हैं वो आपने दिए नहीं। आपने कैश फ्लो की सिचुएशन क्रिएट कर दी एक्सपोर्टर्स के लिए टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल सेक्टर पे सिर्फ डिपेंड करना मेरा ख्याल है सबसे बड़ी हिमाकत है। हमें एक्सपोर्ट्स जब तक हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, जब तक हम इंजीनियरिंग गुड्स में नहीं आएंगे और डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स आप जीरो पे भी कर दें, आप डिवैल्यूएशन किधर भी ले जाएं, आपकी एक्सपोर्ट्स 30 अरब से ऊपर जा ही नहीं सकती। जाहिर साहब के पास जाते हैं, जाहिर चूंकि बहुत बात हो रही है तो चैम्बर भी अपना कोई मौका देना। जाहिर नीतीश साहब बहुत शुक्रिया। बेसिकली बात यह है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोगों ने ही कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो जिसके वजह से इकॉनमी चलनी है। और आज इकॉनमी के मौजू पे ही पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं। बेसिकली मसाइल जो है वो बीसियों हैं और क्वेश्चन जो है हजारों हैं, बट टाइम की पॉसिटी की वजह से मैं एक तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं जो इमीडिएट रिटायर्ड गवर्नमेंट है और इसके फाइनेंस मिनिस्टर साहब, कि जहां पर हम रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं और मेजर्स लेने की बात कर रहे हैं, वहां पर जो इकॉनमी या जो एक्सचेकर की ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से था, इनकी स्टेटेड पॉलिसी थी कि प्राइवेटाइजेशन हो कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इस जो बजट आया है 2018-19 का, इसके अंदर जीरो जो है वो रिसीट शो की गई है, विच लुक्स लाइक कि अपेरेंटली इलेक्शन ड्रिवन डिसीजन है कि उसको उन्होंने, क्योंकि हमें अंदाजा है कि पीपल्स पार्टी की तो शायद स्टेटेड पॉलिसी है कि वो प्राइवेटाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करते। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो बहुत बड़ा एक जो हमारे ऊपर एक तो सर्कुलर डेट हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। और इसी तरह हमारा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है उसमें स्टील मिल है, उसमें पीआई है, वो बहुत ज्यादा हमारी इकॉनमी को ब्लीड कर रही है। और आप
आज जो बात करते हैं कि हम 4000 बिलियन से 8000 बिलियन का रेवेन्यू कर देंगे, तो जब तक बिजनेस कम्युनिटी को ये एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, उनको कंफर्ट लेवल नहीं होगा, उनको कॉन्फिडेंस उनका इम्प्रूव नहीं होगा कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी इकोनॉमी है या टैक्स के मामले में है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रही बल्कि वो जाया जा रही है, तो व्हाई वुड दे कंट्रीब्यूट? हैरेसमेंट के साथ तो कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। तो एक तो मेरे ये सवाल है कि क्यों प्राइवेटाइजेशन नहीं हो? मैं समझता हूं कि अगर हम मुशर्रफ साहब का नाम ना भी लें तो शौकत अजीज साहब के दौर में जो प्राइवेटाइजेशन हुई या जो बड़ी कंपनी ओजीडीसी पीपीएल इनकी जो यह बी बैंक यूबीएल उनकी जो कुछ परसेंटेज जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू उसको ऑफलोड किया गया, उसके बाद से पिछले 10 साल की जो दो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं दे हैव डन नथिंग अबाउट इट। एंड एक तो इसका सवाल का जवाब देंगे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पिछले दिनों काम किया, और दूसरा जो आने वाले हैं अगर वो समझते हैं कि हम आने वाले हैं उनकी स्टेटेड पॉलिसी क्या है, आर दे विलिंग? अगर ये बात कहते हैं कि हम इन अदारों को टर्न अराउंड कर देंगे तो ये गलत बात है। तो गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है बिजनेस चलाना, तो इसका जवाब इससे पहले गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हुई है उसको टर्न अराउंड करने में। सैर साहब शुरू कर लेते हैं आपकी इजाजत, प्राइवेटाइजेशन फिर मिस्टर साहब के पास आएंगे। जी सैर साहब, आप लोगों ने आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, उनका सवाल ये कि ब्लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। खान साहब जलसे में कहते हैं कि 5 सालों में 3600 अरब रुपए का नुकसान किया स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी का व्यू ये कि नेशनलाइज ही रहे, इसको प्राइवेटाइज ना करें। पीआईए की मिसाल ले लें, रेलवे की मिसाल ले लें, जो कुछ स्टेट एसेट्स रहना चाहिए है। वो खसारे तो नहीं, वो खसारे देखें, जब स्टील मिल जो है वो अपनी प्रोडक्शन की तरफ जा रही थी तो हुकूमत ने उसकी गैस बंद कर दी। रशियन गवर्नमेंट ने क्लियरली आपको प्रपोजल दिया कि अपग्रेडेशन ऑफ स्टील मिल आपका एक नेशनल एसेट है। मसला ये है कि बिल्कुल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक है तो आप बात करेंगे कि जी के किस तरीके से जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको बेनिफिट किया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी आवाम की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, उनके फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, और ये फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज की तरफ देंगे, मैं उस पर बाद में आती हूँ, पहले इस बात का जवाब दे दूँ कि देखिए पीपल्स पार्टी ने पीआईए के लिए रूट शेयरिंग की बात की, उस वक्त जो है उसकी मुखालिफत की गई, लेकिन जब आपके जो है खुद हकूमत में बैठे हुए लोग अपनी एयरलाइन चला रहे होंगे तो वो आपकी स्टेट एयरलाइन को क्यों चलने देंगे? ठीक है, जब पीपल्स, जब जो आपके प्रॉफिटेबल एसेट्स हैं पीआईए के, उसके जो होटल्स हैं जो प्राइम लोकेशन पे है जो कि मुनाफा बख्श है, उनकी सेल करने की बात होती है तो यकीनन हमें लगता है कि स्टेट एसेट्स, आप क्या सारे स्टेट एसेट्स को आप बेच देंगे? कल को क्या अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी आप बेच देंगे? ये नहीं हो सकता। आपको ये देखना है कि कौन सी चीज आपके स्टेट की प्राइड है। पाकिस्तान स्टील मिल एक आइकॉन है पाकिस्तान, अगर बाकी जो है बंद पड़ी है, देखिए 2 साल से इसलिए कि हुकूमत ने उसको गैस नहीं दी पीएमएलएन की। इस बात के ऊपर हमने कितनी दफा बात उठाई कि आपकी, जब आपका इसकी तरफ तवज्जो ही ना हो, आपका रुझान ही ना हो, देखिए हमारे 5 साल दौर में वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी, फिर जब रशिया, देखिए रशिया से ताल्लुकात बेहतर किए, रशिया ने जब प्रपोजल दिया कि हम इसकी अपग्रेडेशन करते हैं, हम इसकी रेनोवेशन करते हैं, तो पीएमएलएन की हुकूमत थी। कोई भी चीज आपको हालात साजगार करके उधर तक पहुंचने में एक टाइम लगता है। जब वो अगर पीपल्स पार्टी की बिल्कुल ये प्रायोरिटी है कि पीपल्स पार्टी उसके अंदर उसकी अपग्रेडेशन हो, आप उसके अंदर जो लेबर है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अब मैं एक बात बताऊं कि जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो देने की बात है, जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जब आप लेबर लॉस की बात करते हैं, जब आप इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं, आप जो रेटिफाई करते हैं, आप उसके तहत अपने स्टैंडर्ड्स को मुकर्रर नहीं करेंगे तो कल आप आइसोलेट हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट से। और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है फंडामेंटल राइट की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए कल मार्केट ओपन करेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो तरक्याती जोन बनाना चाहती है जिसके अंदर जो है पीपल्स पार्टी की जो है वो मीशत को, आपके पास दोबारा वापस आएंगे। देखिए बात यह है कि ये एक अमल हो चुका है हमारे मुल्क में निजकारी का, और उसी की वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। यानी जो कीमतें जिस तरह से शफाफ उनको बेचना चाहिए था उसके बजाय, यानी जो किसी भी बैंक की एसेट्स का जो 1% है उससे भी कम कीमत के ऊपर वो बैंक दे दिए गए, अब ये पूरी बड़ी एक तारीख है। दूसरी बात, इसके मकासद बयान किए गए कि ये इस निजकारी के जरिए से हम कर्ज का बोझ अपना खत्म करेंगे और निजकारी के जरिए से गुर्बत को खत्म करेंगे। एक पैसा भी इसके ऊपर नहीं लगा,
نہ قرض اتارنے پہ خرچ ہوا نہ غربتیں ختم کرنے کے اوپر کوئی ہوا خرچ, یعنی اس کی کریڈیبلٹی صفر ہو گئی. اور یہ پتا چلا کہ یہ تو ایسے ہی یعنی اپنے ہی ریوڑیاں جو ہے وہ اپنوں کے اندر ہی بانٹنے کا ایک ذریعہ کیا گیا. پھر یہ بات اس کے ساتھ کی گئی کہ جی کسی کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا. ایک سال کی مدت کے اندر سارے لوگ تبدیل کر دیے گئے, یعنی وہ جو ایک سال کا معاہدہ تھا کم و بیش, یعنی یہ سمجھا گیا کہ بس ایک جان چھڑاؤ اور اس کے بعد نئی پورے کے پورے لوگ جو ہیں وہ نئے ہو گئے, ان کو بے روزگار جو ہے. پراتھ صاحب یہ تو ہو گیا, آپ لوگوں کی جماعت کیا کرے گی؟ میں آگے چل رہا ہوں کہ اس کو کیوں ہم اس طرح سے کریں کہ کیا یہ فیلئر جو ہے وہ تسلیم کر لیں؟ اس کے بجائے کیا ہمارے ملک میں دیانتدار ٹیم نہیں ہے؟ کیا ایکسپرٹس نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کے ذریعے سے ان کو پھر ایک دفعہ کھڑا نہیں کر سکتے؟ اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ منافع بخش بیچے جا رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ جو اس میں جا رہے ہیں خرابی میں ان کو منافع بخش جو ہے وہ جو منافع دے رہے ہیں ان کا منافع بڑھانے کے بجائے جو ہے ہم یہ نہیں کرتے کہتے کہ جی 100% آپ اسٹیٹ کے جو ہے وہ کریں, جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کو مواقع دینا چاہیے, لیکن اس کے لیے یہ توازن بھی ہو, شفافیت بھی ہو اور اس کے مقاصد بھی واضح ہوں. یعنی اس کا مقاصد اگر اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کے بجائے شاہی خاندانوں کو مضبوط کرنا ہے تو اس کا کوئی شبی صاحب آپ لوگوں نے کہا تھا ٹرن اراؤنڈ کریں گے, تو سوال یہ بھی آیا تھا لطیف صاحب تک کہ ایسے ٹرن اراؤنڈ کریں گے ان آرگنائزیشن کو جو بلیڈنگ آرگنائزیشن ہے. خان صاحب کہتے 3600 ارب روپے کا ہٹ پڑا ہے, اس پہ آپ بتائیں گے کیسے پی آئی اے اسٹیل مل ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بالکل ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہیں, لیکن میں اس میں یہ بات ضرور مینشن کروں گا کہ دیکھیں ایک چیز ہے پولیٹیکل مائلج حاصل کرنا اور قومی اداروں کو نیچے لے جانا, بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے وہ بہت کیا اور نون کی حکومت نے بہت کیا, ساری پی آئی اے میں ان کی ایم کیو ایم کی اور یہ انہوں نے بھرتیاں کرائیں. دیکھیں لا امپلائمنٹ دینا بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ ایک ٹیکنیکل ایک پروفیشنل ادارے میں جب آپ سیاسی بھرتیاں کریں گے جو کہ ان کو اس فیلڈ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور وہ پھر بن جائے گا آپ کے لیے ایک سوشل ایشو جن میں کہ آپ ان کو فائر نہیں کر سکتے. انہوں نے اسٹیٹ لائف کے لیے 20% پینشن کی وہ دے دی, ایک الیکشن کے لیے تو بہت اچھا نعرہ تھا لیکن اس کو ہم بھگت رہے ہیں پچھلے 5 سال سے, کمیٹیز کے کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں ان کو انفیشینٹ بنایا ہے. نمبر ون یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو ریشنلائز کرنا ہے, ہم نے ان کو ایک ایسی مینجمنٹ دینی ہے. نمبر ون یہ دیکھیں پولیٹیکل میں پی آئی اے کو نہیں ہینڈل کر سکے, کبھی کس کو بنا دیا, کبھی کس کو, کوئی جہاز لے کے بھاگ گیا, کوئی کیا ہوا, کوئی کیا ہوا, جرمن سی ای او تھے. ایگزیکٹلی یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے بنیادی طور پہ اس چیز کو ان کو اسٹرکچرلی ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ہمارے جو چیمبر کے ساتھی ہیں انہوں نے ایک اہم بات کی, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ چلائے, گورنمنٹ انفیشینٹ ہوتی ہے. آپ الیکٹریسٹی اس کو لے لیں, یہ آپ کی پی ایس سی ساری ریلویز اور پی آئی اے اور یہ سب کو ملا ایک طرف, اور آپ کا جو سرکولر ڈیٹ بن گیا ہے وہ ایک طرف ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے جو آئی پی پیز اور وہ ایک علیحدہ پالیسی پرابلم ہے, لیکن آپ کا گورنمنٹ از دا بائر, گورنمنٹ از دا سیلر, اسی وجہ سے اس میں بھی ہم یہ نقصان اٹھا رہے ہیں. تو ہم نے ریشنلائز کرنا ہے کہ کن ایشوز میں گورنمنٹ کو ہونا ہے, کن ایشوز میں نہیں. میں آپ کو ایک کوئکلی ایک بات فگر بتاؤں, دیکھیں جب 18th امینڈمنٹ سے پہلے ہماری جو اسٹاف یہ سینٹرل گورنمنٹ کا جو سائز تھا, فیڈرل گورنمنٹ کا جو سائز تھا جس میں کہ ساری مسی وغیرہ تھیں, وہ تقریباً 650,000 کے قریب وہ منسٹریز ان کے اٹانومس باڈیز جو ریلیٹڈ فیلڈ ہیں. اب کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, میجورٹی وہ صوبوں کو ڈیوالو ہو گئے, لیکن اگر آپ حکومت میں اگر فیڈرل گورنمنٹ کی امپلائیز کی آپ گریڈ 1 سے 16 اور 17 سے 22 تک کی مجھے دیکھیں, وہ جو ہے تو تقریباً 9 لاکھ کے قریب پھر پہنچ گئی ہے. تو کیا ہوا جب آپ کی ساری, اس کو تو کم ہونا چاہیے تھا بیکاز جب آپ کے پاس منسٹریز یہ ساری تھیں تو تب تو یہ امپلائیز تھے, اب یہ صوبوں میں چلے گئے ہیں, پھر بھی آپ کی بیکاز حکومت کا سائز بڑھتا جا رہا ہے, حکومت افورڈ نہیں کر سکتی ہے. آپ ہماری جو سیلریز دیکھیں, ہماری پینشنز دیکھیں, وہ چیز جو ہے تو ہمیں کھائی جا رہی ہے. ہم نے چاہوں گی کہ ڈاکٹر سلیم صاحب پرائیویٹائزیشن کا, مفتی صاحب آپ بریفلی بتائیں گے, اسٹیل مل کے لیے گیس نہیں دی تھی شہر کے عمران صاحبہ کہہ رہی ہیں, آپ لوگ کچھ کر نہیں پائے, آپ کے آئین میں تھا, سوری منشور میں تھا کہ پرائیویٹائز کریں گے, لیکن پرفارمنس چارٹ بقول زاہد لطیف صاحب کے وہ سر بہت صفر ہے, زیرو ہے معذرت کے ساتھ.
ظاہر صاحب جو فرما رہے تھے کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کا اگلے سال ریویو زیرو رکھا ہے, لہذا اس کا مطلب ہے کہ ہم پرائیویٹائز نہیں کر رہے, یہ بات درست نہیں ہے. جو پرائیویٹائزیشن کے پروسیڈز ہوتے ہیں وہ بجٹ میں شو نہیں ہوتے, اس سے ڈیفیسٹ کم نہیں ہوتا, اس سے ڈیٹ کم ہوتی ہے. کیونکہ یہ کیپٹل ٹرانسفر ہے, گورنمنٹ از سیلنگ اٹس ایسٹس, وہ کرنٹ بجٹ میں نہیں ڈالتے, لیکن اس کو ہم ضرور ڈالتے ہیں کہ اس سے ہمارا ریونیو آئے گا, جس سے کہ ڈیفیسٹ کو ہم نہیں کہتے کم ہو رہا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹ کم ہوگی. سو دیٹس جسٹ پارٹ آف ٹیکنیکل ریزنز وائی وی ڈونٹ شو اٹ آن دی بجٹ. پچھلے سال آپ نے 50 بلین روپیز کی رسید شو کی ہوئی, 50 ارب کی, 50 نہیں. اچھا وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو اپنے ایک اسٹیٹ اگر ایک دوسرے کو بیچتی ہے, اگر اسٹیٹ بینک سے میں کوئی چیز خریدتا ہوں یا بیچتا ہوں, اگر ود ان اسٹیٹ میں چیز کر رہا ہوں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, ڈیفیسٹ کے اندر شو کر سکتے ہیں, لیکن جب میں پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی چیز بیچتا ہوں تو ڈیفیسٹ میں شو نہیں کرتے. صاحب جو آئین پاکستان کے تحت ایک کتاب چھپتی ہے اس کو کہتے ہیں اینوئل بجٹ اسٹیٹمنٹ. اینوئل بجٹ اسٹیٹمنٹ کا جو پیج ون ہوتا ہے نا, اس سے اگر آپ بریف پہ جائیں گے تو وہاں پہ پرائیویٹائزیشن پروسیڈز کی سالوں سے اس کی ایک وہاں پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پرائیویٹائزیشن پروسیڈ 17-18 کی 50 بلین اوریجنل تھی, ریوائز میں زیرو, کیونکہ آپ کر نہیں سکے. اس سے پہلے بھی اگر آپ جائیں 3-4 سال پہلے, جب آپ کی حکومت تھی, جب ایچ ڈی ایل 100 ارب روپے میں بیچا گیا تھا, آپ نے باقی جو اثاثے بیچے تھے, تو وہ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ جو ہے وہ اینوئل بجٹ اسٹیٹمنٹ میں اس کے ایسٹیمیٹس آتے ہیں, یہ بجٹ ان بریف میں ایسٹیمیٹس نہیں آتے. بات سن لے, دیکھو جو یہ جو جب آپ ایسٹ بیچتے ہیں کسی ملک کا, تو وہ آپ نے ایک اپنا ایسٹ بیچا ہے نا, کیپٹل بیچا ہے, اس کو اس اکاؤنٹ بجٹ ڈیفیسٹ میں نہیں دینا چاہیے. دس از ناٹ کریکٹ اکاؤنٹنگ. جو اگر اسٹیٹ بینک کو میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں, اگر میں نے کوئی پرنٹنگ سروسز بیچی تو وہ اسٹیٹ کے اندر ہی ایسٹ ہوتا ہے, اس کو لے سکتے ہیں. اگر اس کو میں خرید رہا ہوں تو لے سکتے ہیں اس کو, لیکن ایسٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کو بیچتے ہیں اس کو نہیں کرتے. لہٰذا ہم نے نہیں ڈالا کہ ہم ایسٹ بیچیں گے تو اس کو کرنٹ, کسی بھی اکاؤنٹنٹ سے پوچھ کے بولے گا یہ پاگل پنا ہے, اگر تم اس کو ایسٹ کو بیچ کر اس کو کرنٹ اپنے کیپٹل ایسٹ کو بیچ کر آپ کرنٹ کے اندر دکھا دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری تین دن کو گیس کیوں نہیں دی؟ جی بھائی, اب میں جواب دے دیتا ہوں. جتنی اسٹیل مل جب ہم آئے تھے, جب پیپلز پارٹی نے ہم کو چھوڑ کے اسٹیل مل گئی تھی, تو میرے خیال 2-3% پہ پروڈکشن تھی اسٹیل مل کی, 2-3% پہ بیسکلی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی. وہ تھوڑا بہت جو پرانا مال تھا وہ نکال کے بیچ رہے تھے. ہم نے اس کے اوپر ایک مرتبہ 16 ارب روپے کا پیکج دیا, یہ آپ لوگوں کے پیسے سے ہم نے 16 ارب روپے ان کو دیے. وہ 16 ارب روپے سے انہوں نے ریوائو کری, اور میرے خیال سے انہوں نے ہم کو وعدہ کیا تھا کہ 70% تک لے جائیں گے. مجھے تو کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ لے کے جائیں گے, لیکن وہ 40% کے اوپر کبھی بھی پروڈکشن نہیں لے گئے. اچھا, ہم نے اس کے بعد ہم کو 13 ارب روپے کا گیس کا بل تھا, جب میں گیس کمپنی کا چیئرمین بنا وہ 33 ارب روپے کا ہو گیا تھا گیس کا بل, انہوں نے گیس بل نہیں دیا تھا. اب بیسکلی اسٹیل مل بھی اگر ایک قومی ایسٹ ہے تو سوئی گیس کمپنی بھی ایک قومی ایسٹ تھی, ہم کتنی دیر تک فری گیس دیتے. ان سے ایک ڈیل صحیح سے بات ہے, شہر کامران صاحبہ کا بھی لینا چاہیے موقف. میں یہاں سوری ٹو انٹرپٹ, میں ڈاکٹر فاروق صاحب کو آبازت کے ساتھ چاہتا ہوں. میں ڈاکٹر فاروق صاحب کو چاہوں گی کہ آپ ڈاکٹر مفتا صاحب سے ایک حقیقت بیان کر دیتا ہوں اور ایک سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں. جی, 190 ریاستی کمپنیاں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. 2013 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی تو اس وقت 500 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتی تھیں یہ 190 کمپنیاں, اور 2017 میں یہ 1100 ارب کا نقصان ہوا ہے, اور 5 سال کا کیومولیٹو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 3700 ارب پی ایم ایل این کی حکومت کے دوران 190 ریاستی کمپنیوں نے 3700 ارب کا نقصان کیا, یہ ان کی فگر انہوں نے دی ہوئی ہیں. اب سوال, جی سر, 2013 میں جو منشور آیا تھا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فوکس تھا ایریا کا وہ بجلی کا شعبہ تھا. جی, اور میں نے گنے ہیں 48 ڈفرنٹ وعدے کیے گئے تھے 2013 کے منشور میں بجلی کے سیکٹر کے حوالے سے. اچھا, تین بڑے وعدے تھے کہ سرکولر ڈیتھ گردشی کردہ جات جو ہے یہ مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے گا. 2013 میں یہ 480 ارب تھا, آج یہ 1100 ارب ہے, بڑھ گیا ہے. یہاں وعدہ کیا گیا تھا کہ مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے گا. دوسرا وعدہ کیا گیا تھا کہ چوری جو کی شرح جو ہے وہ نیچے لے آئی جائے گی, وہ نہیں پورا ہوا وعدہ. تیسرا وعدہ یہ تھا کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا, یہ منشور میں لکھا ہوا. تو یہ تین وعدے 2013 میں کیے گئے تھے, 5 سال پی ایم ایل این کی حکومت کو دیے گئے, یہ وعدے پورے نہیں ہوئے. اب ہم کیسے مان لیں کہ اب جو وعدے کیے جا رہے ہیں یہ 2018 کے بعد پورے ہو جائیں؟ جی ڈاکٹر, ایڈ کر دیں, لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر دیں گے. جی ڈاکٹر, ایڈ کر دیں.
जो तीसरी बात इनकी थी कि हम चोरी खत्म कर देंगे, उसके अंदर आपकी बात दुरुस्त है कि लार्जली हम फेल रहे हैं। हम पंजाब में तो बिल कलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन केपी में और सिंध के अंदर हम बिल कलेक्शन में कामयाब नहीं रहे हैं कि हैदराबाद और कंपनी के अंदर बिल कलेक्शन बहुत नहीं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, आपकी ये बात दुरुस्त है कि हम प्राइवेटाइजेशन करने में फेल हो गए, लेकिन आपको ये भी पता है कि जब हम पीआईए की भी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करी थी तो बाकी जो मेजर अपोजिशन पार्टी है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमपीएम वगैरह, इन्होंने अपोजिशन करी इसकी, दो लोग जहां बैग भी हो गए। उसके बाद एक सियासी हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम करने में मुश्किल हो गई थी, लेकिन बहरहाल ये इस चीज का वादा पूरा नहीं कर सके। जो आपने तीसरी बात कही कि सर्कुलर डेट 1000 अरब रुपए से ज्यादा हो गया, ये आपकी बात जो है वो न्यूमेरिकली सही नहीं है। अगर आप उस दिन 480 अरब रुपए का सर्कुलर डेट लगा रहे हैं जिस दिन हम आए थे, तो उसके उस वक्त भी कुछ न कुछ पैसे पब्लिक सेक्टर, सॉरी पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में पार्क थे, वो हुकूमत की ओन कंपनी, दैट्स पार्ट ऑफ द डेफिसिट। आज मेरे ख्याल से, जो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से 400 अरब रुपए से कम सर्कुलर डेट है, इतना जरूर होगा। जो डेट हमने दिया, जो हमने डेट दिया है, ₹572 अरब रुपए है। मेरी बात सुनो, मैं गुजारिश का फैक्ट है, जो जो डेट जो 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 मैंने 200 अरब रुपए मैंने दिए थे अपने ये कंपनीज को, आईपीपीज को और पीएसओ वगैरह को, तो वो 200 अरब रुपए मैंने जो थे वो पार्क कर दिए थे पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो वो बेसिकली इट्स नॉट रियली एन सर्कुलर डेट एनीमोर, वो तो गवर्नमेंट की डेट हो गई है। और जब मैं दिसंबर के अंदर, दिसंबर 31 को 514 अरब रुपए थे, उसके बाद हमने उसको 200 अरब रुपए हमने और भी दिए, 10-15 अरब रुपए महीने के ऐड करते हैं, मेरे ख्याल से 573 का नंबर मुझे सही नहीं लग रहा है। साहब, मैं आपकी भी जानना चाहूंगा कि बात बिल्कुल सही था कि 2013 के वादों पर तो डिस्कस करें, लेकिन जरा 2018 के वादों पर भी है ना, बताइएगा ये भूख मिटाओ प्रोग्राम और किसान कार्ड पीपल्स पार्टी ने के, जहां बिलावल भुट्टो साहब जाते हैं कहते हैं मैं भूख मिटाओ प्रोग्राम लेकर आऊंगा, सिंध की भूख आप लोग मिटा पाए हैं और इस उसकी कारकर्दगी के बलबोते पर ये दावा करें कि अगर आप लोगों को इकतदार मिला तो ये मिटा देंगे। दूसरा बड़ा बैलेट उनका ये बात भी है कि जब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन करने चले निकले थे तो जुलूसों को पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी और दो अफराद की जान भी गई थी। तो ऐसे पोलराइज माहौल में तो पोलिटिकल विल का होना जो है वही काम कर सकती है, अदरवाइज तो कोई भी सियासी हुकूमत पॉलिटिकल हिट बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। ये है पाकिस्तान के एसेट्स को बचाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम के हकूक को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी हमेशा बाहर निकलेगी, हमेशा बाहर निकलेगी। आप ये देखें कि पीआईए के रूट्स भेजती है, न्यूयॉर्क से जो फ्लाइट चल रही थी, जो आ रही थी, वो रोक दी गई और एयर लुक शुरू हो गई। तो ये मोर्चा नहीं आता पीपल्स पार्टी को, वाकई ये जो मोर्चा है, ये आप ये देखें कि जो आप कह रहे हैं ये गलत बयानी का कह रहे हैं, गलत बयानी नहीं कर ये बात के अंदर, मेरी बात सुने, ये न्यूयॉर्क जाती है ना, पूरा मुस्लिम लीग जो है वो सारे के सारे 272 कहीं जगह से छोड़ाती है, कहीं पे आपके वो सारे रूट जो है वो एयर ब्लू को, अब आप देखें कि जो आपने जो दूसरी एयरलाइन ठीक है सारे रूट एयर ब्लू को दे दिए, नहीं सारे रूट, बाकी आप ये देखेंगे मुझे बात मुकम्मल करने दें, देखिए मुझे बात मुकम्मल करने दें। अगर आप ये देखें कि आपने जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, फॉरेन एयरलाइंस है, आपने उनको रूट्स दिए हैं, आपने पीपल्स, आपने जो है ना पीआईए के लिए स्पेस जो है वो कम की है, तो जब आप पीआईए के लिए स्पेस कम करेंगे, अच्छा अब अगर पीपल्स पार्टी बात करिए तो पीपल्स पार्टी ने क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं इंट्रोड्यूस किया, वो इंटरनेशनल नहीं है, हम चाहेंगे मिस्टर इस्माइल साहब कभी टेक ले लो, शायद रिपीट, तो मैंने कभी जवाब नहीं दिया ना, अपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आई वांटेड टू, आपने मुझसे पूछा कि आप बिल्कुल, मैं फिर अगर पीपल्स पार्टी बात कर रही है, क्या आठ कार्डियोवेस्कुलर हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट सिंध के अंदर बने हैं, सिंध के अंदर सिविल हॉस्पिटल की एक्सटेंशन 8 स्टोरी जो है ट्रॉमा सेंटर बना है, साइबर नाइफ ट्रीटमेंट हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना है। तो जब पीपल्स पार्टी बात कर रही है तो जुबानी कलामी बात नहीं कर रही, हमने कमल किया हमारी, आप ये देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके ऊपर इंटरनेशनली भी उसके ऊपर ट्रस्ट जो है वो दिखाया गया और यही इसीलिए वो कंटिन्यू रहा, और पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये कहा है कि उसको वो डबल करेगी, और पीपल्स पार्टी ने जो प्रोग्राम दिया है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की कंप्लीट वर्किंग है। अच्छा, जो
अंदाज प्रोग्राम भी है बड़ा कम्प्रीहेंसिव है, सबसे डिटेल्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जी भाई साहब, मिस्टर साहब आते हैं, हम फोकस होकर गुफ्तगु करते हैं, एक सब्जेक्ट को कम्प्लीट करें ताकि फिर दूसरा सवाल की तरफ जाया जा सके। बेसिकली मिस्टर साहब की बात एग्री कर ली कि उनकी पॉलिसी में था प्राइवेटाइजेशन करना, बट किसी भी रीजन की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज के अपोजिशन की वजह से वो प्राइवेटाइजेशन करने में कामयाब नहीं रहे। बट आज बड़ी हैरत हो रही है ये दो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का, एमएमए का भी और पीटीआई का भी, कि इन्होंने ये पॉलिसी, पीपल पार्टी का हमें पता है कि वो, हमें इससे मतलब नहीं है कि किसको बेचें, हमें इससे मतलब नहीं है कि आप उसको रिवाइव करें, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उसकी ब्लीडिंग रोकें। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हॉस्पिटल्स आप बनाएं, सड़कें बनाएं, सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इतना बड़ा एक्सचेकर वहां पे नुकसान हो रहा है और फिर किस हम मुंह से लोगों से पैसे जाके मांगे कि आप टैक्स की मद में पैसे दें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू कम आउट विद अ वेरी क्लियर प्लान विद दिस, स्पेशली दीज टू पोलिटिकल पार्टी। सर आप खुद बिजनेसमैन हैं शिवजी साहब, और मिस्टर साहब भी बिजनेसमैन हैं, हमें ये पता है कि अगर हमारा बिजनेस, अगर एक सेटअप या एक ब्रांच लॉस में जा रही है मुसलसल, तो हम एक दिन आपके उसको बंद कर देंगे। उस ऑफिस के अंदर या उस बिजनेस के अंदर कुछ लोग शायद बेरोजगार होंगे, बट इसके बजाय इसके कि सारे के सारे लोग ही बेरोजगार हो जाए और सारा मामला खराब हो जाए, तो वी हैव टू कट दी फिगर्स राइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको खत्म करें ताकि हम दूसरे सब्जेक्ट पे, मैंने कहा कि देयर आर प्लेंटी ऑफ सब्जेक्ट्स, स्कार्सिटी ऑफ वाटर हमारे सर के ऊपर खड़ी हुई है, हमें उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज की डिबेट में प्राइवेटाइजेशन वाला मामला तो पता चल गया जी, पहले जवाब तो ले सवाल कर ले, क्लब कर ले। देखिए 1947 से सन 2008 तक जो फीकस कर्जा था पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी बच्चा बूढ़ा मर्द और औरत पे, वो 40,000 रुपए था। पांच साल पीपल्स पार्टी के हमने देखे और 2013 में वो कर्जा 80,000 रुपया फीकस फी पाकिस्तानी बच्चा बूढ़ा मर्द और औरत हो गया। ये आपने क्या कारनामा किया कि 61 साल में एक तरफ कर्जा और 5 साल में आपने उसको डबल कर डाला। ये सवाल है, बिल्कुल आप उस वक्त देखें कि उस 5 साल के अंदर तेल की कीमतें क्या थी, आलमी मंडी के अंदर कीमतें क्या थी, यकीनन वो, लेकिन आज आप देखें कि वो कर्जा जो है वो 2,00,000 हो गया है। आज वो कर्जा गलत है तो पहले भी गलत है, गलत था। पीपल्स पार्टी ने जब इक्तदार लिया तो इक्तिसादी हालात बहुत खराब थे, आलमी मंडी में ओवरऑल आपको मार्केट ट्रेंड देखना होगा। देखें हमें भी आप बोलने का मौका दें, बिकॉज लग रहा है यू शुड इनफैक्ट फोकस मोर ऑन द पार्टी दैट इज गोइंग टू कम इनटू पावर। शबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात की, एक बात मुझे मेरी आपके साथ नहीं, एक बात ऐड करना चाहूंगी, वो मुझे करने दें। ये जो दावे करने वाली, जो दावे करने वाली पार्टी है पीटीआई, इसने तीन ट्रिलियन कर्जा लिया है केपी में, जब 3 ट्रिलियन, जबकि शी नोज नथिंग अबाउट केपी। शहबाज राइना ने कहा 3 ट्रिलियन का कर्जा लिया केपी ने, यू हैव टू प्रूव दैट। 57 बिलियन से जो है इनका जो ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट था वो 68 बिलियन का हो गया, जो सवात मोटरवे थी वो डिजास्टर का शिकार है। देखिए हमने इधर नेगेटिव आपने आपने मुल्क का बेड़ा घर कर दिया। जी मैं सब आता हूँ मैं आपके पास, नहीं नहीं एक इनकी पार्टी ने इस मुल्क को आज इस तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है, जिसमें कि आप मुझे बात कर वन बाय वन डिबेट है। आप ये डिबेट मुल्क में आपका पूरा आपका जो है ना हिस्सा है, मिलिट्री गवर्नमेंट और आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, ये स्पेशली आप तो वो तो मिलिट्री गवर्नमेंट होती है ना, आप लोग बड़े दावेदार थे। आपने जो है तो इस मुल्क को तबाही की गिराए वो किया, करप्शन का बाजार आपने गर्म किया, आपने सारे इदारों को तबाह किया। ये जो आप पूछ रहे थे ना कि जो प्राइवेट सेक्टर के ये जो प्राइवेटाइज क्यों नहीं हुए हैं, इसी वजह से नहीं हुए हैं कि इन्होंने एक मैट्रिक पास को ओजीडीसी का चेयरमैन बना दिया। आप मुझे बताएं कि ऐसे हालात में ये ब्लीड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि हम इसको नॉन पॉलिटिकल लोग लाएंगे, प्रोफेशनल लोग लाएंगे इनकी ब्लीडिंग रोकने के लिए। फिर अगर उनमें अगर वी थिंक एज आई टेन टू एग्री पर्सनली दैट गवर्नमेंट शुड ट्राई टू रिड्यूस इट्स रोल
इन बिजनेस, ठीक है ना, बिकॉज इट इज इनएफिशिएंट. हमने देख लिया हर इदारे में, हमने उसको इस काबिल करना है, हमने इस काबिल करना है कि वो अगर बेचने हैं तो हम एक खास लेवल पे उनको ले जाएं कि उनकी कोई कीमत बने. एक सवाल जो कि बड़ा बड़ा होता है, बन गया क्लिशे बन गया, मैं उसका जवाब अभी देता हूं इनको मैं, कि ये आइंदा इस तरह की बात ना करें. पहली बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी हम डैम्स बनाएंगे और ये करेंगे और पानी का वो, तो मैं आपकी उसके लिए कि खैबर पख्तूनख्वा ने पिछले उसमें 25 स्मॉल डैम्स बनाए. अगर आपको नाम चाहिए, अगर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना, 350 मैं उस तरफ आ रहा हूँ, वो मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है भाई, वो 350 मिनी माइक्रो हाइड्रो जो कि रन ऑफ द रिवर के प्रोजेक्ट होते हैं वो बने, उसमें हमने 274 बना लिए हैं, बाकी इन प्रोसेस है, ठीक है ना. अच्छा, अब दूसरी थी, दूसरी में अभी मुलाजिमतें तो अभी आएंगी ना, आएंगी केपीकेम में रिलेटेड. एग्जैक्ट फिगर मेरे पास फिगर नहीं है, मैं ऐसी हवा में बात जिस तरह हमारे कुछ दोस्त कर रहे हैं मैं नहीं करना चाहता. और वन लास्ट थिंग, यूनिवर्सिटी का अमित शाह ने भी बताया, अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू को देखे, ये आपका, ये आप इसको देख सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हमने 10 यूनिवर्सिटीज बनाई है अपने 5 साल दौर में, 10 यूनिवर्सिटीज. उनके नाम आपको चाहिए ये आप इसको रिकॉर्ड पे लें, ये मैं आपको इसका क्लोजअप भी दे दें, ये 10 यूनिवर्सिटीज बनाई है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने. ये इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ठीक है ना. आप कहते हैं तो मैं आपको जल्दी से नाम भी बताएं. देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा, वुमेन यूनिवर्सिटी वुमेन इन मर्दान 2016 में बनाई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डीए खान, पाक ऑस्ट्रेलिया फैक्शुले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इन हरिपुर, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है या ये बिल्कुल पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जाहिर है अगर हमने बनाई है तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर बनाई है. फिर मैं आपको बताता हूँ, यार मुझे मेरी अनवर साहब मेरी बात सुन, जी जी जी, मैं तो आपको नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से रिकॉर्ड पे, ठीक है ना, ये जो अनवर साहब मुझे जाना है, अनवर साहब भी होते हैं आगे कहता है जी यूनिवर्सिटी के जा रहा हूँ, ये जो पीपल्स पार्टी की मेरी बहन बात कर रही थी ये झूठ है, मतलब इसके अलावा कोई बात नहीं कि एयर ब्लू ने कोई भी पीआईए का रूट ले लिया, इस किस्म की तोहमत नहीं लगानी चाहिए. हम आपकी तरह नहीं है कि स्टेट के ऊपर अपना फायदा करें. एयर ब्लू न्यूयॉर्क नहीं जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है, ना एयर ब्लू ने पीआईए का कोई रूट लिया है, ना पीआईए ने कोई रूट बेचा है. पीआईए अपना रूट कम ज्यादा करती रहती है लेकिन बेचे नहीं है अपने राइट्स. उसने कभी न्यूयॉर्क की सर्विस खत्म कर दी तो उसने टोरंटो की सर्विस बढ़ा दी. तो ये मतलब ये इनके अपने जहाज के डिसीजन होते हैं, ये मैनेजमेंट के फैसले होते हैं, हम इस तरह की हरकतें नहीं करते. खुदा इस किस्म के इल्जाम ना लगाइए. शिबली साहब जो है वो अच्छी बात है कि वो दे सकते हैं अपने यूनिवर्सिटीज के नाम, हम तो इतनी यूनिवर्सिटी बना चुके हैं पंजाब में कि हम नाम नहीं दे सकते, बेशुमार हो गए. लेकिन उसको छोड़ दें, मैं आखिरी बात करना चाहता हूं कि एक कंपनी है अलिफ ऐलान, एक एनजीओ अलिफ ऐलान मुशर्रफ रजी की आप लोग जानते हैं, वो हर साल टेस्टिंग करती है एजुकेशन का. आप देख लीजिए कितने मैट्रिक के अंदर, कितनी चीजों के अंदर जो है वो पंजाब आ गए, किसमें केपी आ गए और किसमें सिंध आ गए. टर्न्स आउट कि पंजाब सब चीजों में आ गए, बच्चों की रिटेंशन में आ गए, बच्चों की ग्रेजुएशन में आ गए, बच्चियों की एलिमेंट्री से प्राइमरी के अंदर, एलिमेंट्री से सेकेंडरी के अंदर, प्राइमरी से सेकेंडरी में पंजाब आ गए. सबसे कम मिसिंग फैसिलिटीज पंजाब में, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, चाहे वो पंखे हो, चाहे वो टॉयलेट्स हो, सबसे ज्यादा टीचर अटेंडेंस पंजाब में. तो इन्होंने तो ना सिर्फ बस बनाई है जिसको असद उमर कहता था कि 4 बिलियन में बनाऊंगा, वो 13 बिलियन से शुरू हुआ पिशावर की मेट्रो का, आज 70 बिलियन पे हो गया है और सिर्फ गड़े खुदे हुए हैं, अभी तक मेट्रो नहीं बनी. हमको बस बनाने भी आती है, हमको मेट्रो बनाने भी आती है, हमको रोड बनाने भी आते हैं, हम यूनिवर्सिटीज भी इनसे अच्छी बना लेते हैं, फोरेंसिक लैब तो बनाई कभी नहीं है. और इमरान खान साहब ने यह दावा किया था कि 5 साल में केपी पूरे पाकिस्तान को बिजली दे रहा है. मैं चाह रहा हूं बिजली है क्या, मुझे बताएं तो सही, चंदा बैटरी छोटे छोटे क्या बिजली बनाई है. मैं आपको जवाब दे दूं, जी दे, इसलिए कि आपके जो नेशनल ग्रिड है जो उसको फेडरल गवर्नमेंट में आरवा हुआ है, आप जब नेशनल ग्रिड में उसको आने देंगे तो हम क्या करेंगे, वो जल्दी में जब इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं. जी इंतखाब, मैं कहूंगा कि डॉक्टर फरीद पराजा साहब, मिफ्ता साहब थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, हमें मालूम है कि आपका बड़ा कड़ा मुकाबला है कराची में और आपने हमें काफी ज्यादा टाइम दिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर इनपुट. डॉक्टर फरीद पराजा साहब, आप सब बताइएगा, पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी 5 साल कारकर्दगी, मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो 5 साल, वैसे तो आप भी शिबली फराज साहब के साथ शामिल थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, तो क्रेडिट आप भी आधा आधा ले लें अपने साथ, ये अपने हिस्से का क्रेडिट तो ले रहा हो. वो एक ऐसा क्रेडिट है कि जिसको न ये डिनाई कर सकते हैं या वहां के अवाम, यानी अगर फाइनेंस की मिनिस्ट्री है तो वो जमात इस्लामी के पास थी, बल्दियात की मिनिस्ट्री है तो जमात इस्लामी के पास थी. अगर कहीं कोई बहुत ही बेहतर काम हुए हैं जिनका क्रेडिट हुकूमत ले रही है तो उसमें जमात इस्लामी
बहुत बड़े एक पार्टनर थे, बैंक ऑफ खैबर का भी है, यहाँ तक बैंक ऑफ खैबर जो है बिल्कुल बनाने में, यानी अंदर नहीं, वो जो एमडी और आपके मिनिस्टर का तनाजा था वहाँ पे तो बाकायदा माफिया मांगी गई, चीजें अखबारात में छाया हुई, और ये अल्लाह का करम है कि जमात इस्लामी के बारे में कोई फर्द झूठा इल्जाम भी नहीं लगा सकता, ये अल्लाह का करम है। यानी हमारे मद्दे मुकाबल एमक्यूएम के गवर्नर है, उन्होंने तरवीन पे ये बात कही कि कराची में अगर एक मरतबा सही तौर पर कोई डेवलपमेंट हुई है तो उन्हें मतुल्ला खान ने की है। मैं जो बात आपने कही थी पीपल्स पार्टी और नून, ये बारी का बुखार है, अल्लाह करे कि इस बारी के बुखार से कौम को जो है वो निजात मिले। अब तक जितने भी ये खराबियां हुई हैं इनमें हिस्सेदार हैं, ये जो करप्शन है, ये जो बैरून मुल्क दौलत पड़ी है, ये जो पाकिस्तानियों को पानी पीने के पानी से महरूम है, तालीम से, इलाज से, सेहत से, ये और किसी जुर्म के बगैर यहाँ का गरीब आदमी गरीब तर हो रहा है, तो ये वो चीज है कि सबसे बात तो बताइएगा, इतनी अच्छी आपकी शराकतदारी रही तो अब सीधे एडजस्टमेंट आप लोग एमएमए शामिल हो गए, ये आपसे लैदा हो गया तो इकट्ठे ही रहते हैं। एमएमए तो हमारा एक नेचुरल इत्तेहाद है, इससे पहले भी हम 2002 में आ रहे थे और उसमें मैं सिर्फ एक बात, ये जो खाने जी के नौकरियों देने का हमने भी अपने मशहूर में ये बात रखी है, लेकिन हमने ये तादाद ये बताई है, लेकिन हम तादाद से ज्यादा उसका, हमारी एक स्कीम ये है हुनरमंद पाकिस्तान, हम हर जगह पे यूनियन कौंसिल के लेवल तक स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करेंगे ताकि लोगों को यूं ही यानी नौकरियां तो कोई नहीं मिलनी, और इसी तरह बिला सूद कर्जे ताकि कोई अपना कारोबार जो है वो उसमें वो कर सके। फिर जैसे मैंने कहा था कि जी हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, हमारी डेयरी फार्मिंग जो है वो एक्सपोर्ट भी है जिसकी तरफ अभी हमारा कोई तवज्जो नहीं है, तो हम उसकी तरफ तवज्जो करेंगे। एक हमने ये भी रखा है कि हेल्थ वर्कर, यानी देहाती इलाके के लिए हेल्थ वर्कर, लेडी हेल्थ वर्कर तो वैसे एक और स्कीम के तहत है, जो हेल्थ वर्कर तैयार किए जाए जिनको थोड़ी सी स्किल दे के वहां पर वो छोटे पैमाने पे सेहत के लिए उस पर रोजगार भी हो जाएगा। आखिरी बात इस जिमन में ये है कि जो हमारा है कि हम 5 सालों की मुद्दत के अंदर 100% तालीम लेके आएंगे, उसमें हम इन नौजवानों को जो पढ़े लिखे नौजवान हैं अपने से कमतर तालीम देने के लिए हम उनको इस्तेमाल करेंगे उसकी भी। अनवर आपकी इजाजत से मैं अगर शायर कामरान साहब से पूछना चाहूंगा, एक सवाल शहबाज साहब ने मुझसे पूछा था जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, आप आईएमएफ के पास जाने के बाद आपका चारा क्या है? 27 अरब जो है $27 अरब जी, वो $27 अरब की तकरीबन मोटर। देखिये बात यह कि ये तो एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है जिसमें कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हमारा नहीं किया हुआ तो हम इसके समय नहीं, ये आपको लेना पड़ेगा, ये संभालनी पड़ेगी, ये जो तबाही है इसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने इसका चार्ज लेना होगा। अगर हमारी हुकूमत आ जाती है इंशाल्लाह जिसकी कि हमें उम्मीद है, तो पहली बात तो ये कि ये फैक्ट है कि ये पैसे हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, हमारे पास ये पैसे हैं ही नहीं। नंबर वन, हम ऑब्वियसली इसके लिए एक मैकेनिज्म बना रहे हैं और हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उस पर काम कर रही है कि हम किस तरह इंटरनेशनल बायलेटरल और कमर्शियल बैंक्स जिस तरह जिनके साथ ये कमिटमेंट्स हैं उसको हम किस तरह से रीनेगोशिएट करें और अपने लिए एक ब्रीदिंग स्पेस लें और फिर हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हुए एक प्लान बनाते हुए हम उसको आगे ले जाएं, बिकॉज जाहिर है ये एक ऐसा मसला है जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इट इज स्टेयरिंग अस इन द आईज। जी शबाब साहब, शबाब साहब, शबीर साहब, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है टैक्स टू जीडीपी रेशियो पर, प्राचा साहब से भी सवाल करें ना, उतना कह रहे हैं अराउंड करेंगे आपको, वो थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल इशू है, मैं इसको टच नहीं करना चाह रहा था, चले आप कहते हैं तो मैं करता हूँ। आप बात कर सर, पहले आपसे मैं कंप्लीट करूँ, इसके बाद दूसरा सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करते हैं तो हमारे 10 से 11% है, वो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका सारे हमसे बहुत देते हैं। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये है कि आपकी जो ज़रात है वो 20% है, आपकी मैशियत का जो कुल हजम है, आपकी जो सर्विसेज है सेक्टर वो 57 से 60% के करीब है, बाकी आपकी इंडस्ट्री है। ज़रात है जो आमदन, उसके ऊपर टैक्स नहीं है, हालांकि जो आमदन है वो वफाकी मामला, ये आईने पाकिस्तान की वजह से आपको पता है एक तरमीम की गई और उसको वहां से निकाल दिया गया। अगर आपने मुल्क की टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बेहतर करना है तो क्या आप ये समझते नहीं कि इस बात की जरूरत है कि आईन में तरमीम लाई जाए और ज़रात के ऊपर जो आमदन है का जो टैक्स है वो वफाक का वो इख्तियार हो, हाँ
ठीक है, ताकि उसमें जिसकी जो भी आमदनी, अगर कोई गरीब है या कोई जिम्मेदार ऐसा जो नहीं दे सकता तो वो नहीं देगा, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। प्राचार्य साहब, आपने दो बहुत बुनियादी बातें की हैं। आप कह रहे हैं कि एक तो कि बिला सूद इकोनॉमी, आप बिला सूद इकोनॉमी की बात करते काल आपको इक्तदार मिल जाता है 16 खरब रुपए के, आपने सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी करनी है इस साल में, क्या आप नहीं करेंगे, मुल्क को दिवालिया करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा कि जो गैर तरक्याती अखराजात है उसमें हम 30% कटौती करेंगे, 30% आपका जो इस वक्त बजट का हिस्सा वो जाता है सूद की अदायगी पे, 27% आपका बजट का हिस्सा दफा पे जाता है, तो क्या दफा और सूद की अदायगी आप काटेंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए मैं एक बात तो ये सही थी कि जो जहां तक इन कर्जों के बारे में और सूद के बारे में आपका ख्याल है, अगर तो हम कर्जे वापस करने पे आमादा हो जाएं और हमारे पास उसका लाहे अमल हो, तो कितने ही माहिदात दुनिया के अंदर मौजूद हैं, यूएनओ के भी और चार्टर भी मौजूद हैं, कि गैर जमहूरी हुकूमतों के लिए हुए कर्जों का जमहूरी हुकूमतें वापसी की पाबंद नहीं है। ये तो जमहूरी हुकूमतों में लिए गए ना, नहीं ये गैर जमहूरी हुकूमतों के 10 साल की जो कर्जे जमहूरी हुकूमत थी ना इनकी, और जो कर्जा लिया जाते हैं जो अब तो IMF भी जीरो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर जो है वो आ रहा है, तो ये शायद प्रॉब्लम ना हो कि हम जो है वो सूद जो है असल दर अगर आप वापस कर रहे हैं 16 खरब रुपए, मतलब माफ भी हो सकते हैं हमारे, अगर हम तो सिर्फ सूद है जमहूरियत, ये तो सिर्फ सूद। एक बात में सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं, जो हम गैर मुल्की कर्जा लेते हैं वो हुकूमत नहीं ले रही होती, वो रियासत ले रही है, वो रियासत ले रही होती है जिसकी अथॉरिटी सदर पाकिस्तान उस हुकूमत को देते हैं, तो ये जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमत की बात नहीं है। जब ये है कि हम एक इसमें तो रीशेड्यूलिंग भी होती है, उसमें नई शराइत भी हो सकती है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी ये है कि हमारे नुक्ता नजर से कि अगर इसकी तरफ आए कि हमने नया कर्जा नहीं लेना, यहाँ तो कर्जे देने के लिए कर्जे ले रहे हैं ना, यहाँ तो कर्जों की किस्त देने के लिए फिर एक कर्जा लिया जा रहा है, ये एक विशेष सर्कल है, कर्जा लेना पड़ेगा, आप भी समझते हैं। तो कर्जा तो मतलब हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन हम इसके लिए जब देने के ऊपर तैयार हों और उसके लिए हमारे पास लाए अमल हो तो हम ये चीज जो है ये हमारे रास्ते में रुक। आपसे जो सवाल किए, देखिये मैं ये आपका जो सवाल था उसमें बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब आपके पास जो टैक्स टू GDP रेशियो है, और आपने सही कहा कि जो ये मुल्क में काफी बहस चलती रही है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स होना चाहिए, अब जाहिर है कि पहली बात तो ये है कि ये हमारी डेमोक्रेसी में ये एक हमारी एक बहुत ही जो शॉर्टकमिंग है, और इसी का हम कहते रहे हैं कि आप अपने खिलाफ कानून कैसे बना सकते हैं, मानिए कि जो लोग बैठे हुए हैं असेंबलीज में वो कैसे कानून तो उन्होंने बनाना है, तो जब कोई वो लोग होंगे जो कि उसके नुमाइंदे होंगे, उस लॉबी के नुमाइंदे होंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे, वो कैसे वो करेंगे? ये तो देखें, ये तो चाहिए था कि वो अदवाज जिसमें कि हमारे पास अगर कुछ थोड़ा बहुत फायदा होना ही था, खैर जमहूरी हुकूमत होगा तो उसमें हम कुछ ऐसी चीजें कर जाते जिसमें कि हमें ये पॉलिटिकल कॉस्ट लगनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इसलिए कहेंगे कि आप इसलिए भेजा था कि आप हमारे ऊपर टैक्स लगाएं। तो ये इसकी एक प्रैक्टिकलिटी का इशू भी है। दूसरी बात यह है कि जी बिलासूद कर्जों की बात होती है तो जनरली जो आपकी पब्लिक है सुन रही है वो ये समझते हैं कि ये मुफ्त के कर्जे होते हैं। इस्लामिक बैंकिंग जो है, इस्लामी बैंकिंग, वो एक तरीकाकार है, और ये एजाज भी मुझे जाता है अहमद फराज के बेटे को कि उसने पिछले हफ्ते ही इस्लामिक बैंकिंग में ये कंडीशन डाली है कि 30% हमारे जो कर्जाजात लिए जाते हैं हुकूमती सतह पे वो लिए जाएं इस्लामी बैंकिंग के तवस्सुत से। अच्छा, कि उसमें हमारी इस्लामिक बैंकिंग का शेयर और ग्रेजुअली, और ये आपकी आईन की रिक्वायरमेंट है भाई, ये कोई नहीं है, या तो इसको आईन से निकाल दें आप कि जी हमने ये सूद का कारोबार निजाम को हमने वो करना है। बात यह है कि इसमें हमें थोड़ी सी हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, हमारे उलमाए रिलीजियस पार्टीज है, प्रॉब्लम ये कि ये प्रैक्टिकली इन चीजों को पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए ऐसी तजावीज दे और पॉलिटिकल सपोर्ट दे कि ये चीजें आसान हो जाए। थोड़ा सा वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी पहले भी हम आना चाह रहे थे, फेयर कामरान साहब आप बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
नई मुलाजमतें जनरेट करने के लिए दावे किए जाते हैं जी कि इतनी सरकारी मुलाजमतें दी जाएंगी, किस तरह से जनरेट करेगी, फिर दरामदाद में इजाफा ये कर सकते हैं। नहीं खाली सरकारी मुलाजमों की बात नहीं की, पीपल्स पार्टी बात करती है जो रैशनल होती है, जो रियलिस्टिक होती है। अगर अगर ये बात करें कि जो हम कर्जे देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम देंगे, तो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी वसीला हक वसीला रोजगार प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने मुतारफ कराया। लेडी हेल्थ विजिटर्स का जो है जो प्रोग्राम सबसे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मुतारफ कराया। पीपल्स पार्टी अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है तो पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर एक बहुत अच्छी पेशकश दिखाई है। पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है तो पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर फार्मर्स को और जो है खवातीन को वो मौके फराहम किए हैं कि वो अपने आपके अपने ऊपर खुद के ऊपर जाए। आगे उनको फर्दर स्ट्रेंथन करने की बात है, आगे उनको फर्दर स्ट्रेंथन करने की बात है कि पीपल्स पार्टी वो माहौल जो है ऐसा साजगार माहौल करेगी। जो अमाउंट है पीपल्स पार्टी ने भी 100% इजाफा किया था तनख्वाहों में, अभी भी पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि 100% जो है वो पेंशन के अंदर और तनख्वाहों में इजाफा करेगी। पीपल्स पार्टी अच्छे तरीके से फाइनेंसिस को मैनेज करेगी। पीपल्स पार्टी के पास यकीनन पीटीआई जैसी तलस्माती ताकत नहीं है कि जो 1 करोड़ नौकरियां बजट को देखे बगैर बना दे, या जो 50 अभी तक जो मुझे समझ में आया कि 50 लाख घर जो है वो शायद कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे। सरकारी मुलाजमतों की बात हम नहीं कर रहे, मैं बता रही हूँ कि 50 लाख घर जो है वो ये कभी ये देखिए हमारा मसला है, मैं बता रही हूँ कितने कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम इदारों को इतना एक्सपैंड करेगी, इतना स्ट्रेंथन करेगी कि उसके अंदर पॉपुलेशन होगी। बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए जो है वो ऐसे इकदाम किए हैं। और ये आप एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, अगर आप ये इलेक्शंस के बाद मखलूत हकूमत बनानी पड़ी और आपको जवाब मुझे प्लीज इसका जवाब दे रहे हैं जी। देखिए पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो पाकिस्तान के लिए उस जो है हमेशा पाकिस्तान के मफाद के लिए उसने तमाम पार्टीज को इकट्ठा किया है। पीपल्स पार्टी वो एलियत लगती है, चाहे एक मिनट अभी मुझे बात मुकम्मल करने दें, देखिए मैं बहुत देर से खामोश हूं। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर ये एहलियत है, चाहे सलाला चेक पोस्ट के हमले के बाद एक अच्छी खारजा पॉलिसी बनानी हो और अमेरिकन नेटर रूट्स को बंद करना हो, पीपल्स पार्टी ये सलाहियत रखती है कि उसने नेशनल असेंबली में भी लीड किया और उसने जो है वो सेनेट में भी लीड किया और सेनेट इलेक्शन में भी लीड किया, सेनेट इलेक्शन में भी लीड किया। और मैं आप एक और बात बताऊं, पीटीआई जो ये कहती है 22 साल के अंदर ये अपनी आइडियोलॉजी प्रोड्यूस नहीं कर सके, आज इनको इलेक्टेबल की जरूरत है, आज ये ट्रांसफॉर्मेशन की फेज के अंदर है। आज ये जो पिछले आप बयान देखे इमरान खान का, वो कहते हैं कि मैं सीट खाली छोड़ दूंगा, ठीक है आज वो कहते हैं कि जी इलेक्टेबल की आइडियोलॉजी है, ये कल पार्लियामेंट से लाने देखिए 5 साल की पूरी मराठी और तनख्वाहें लेते हैं। करना बहुत आसान है लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सी पार्टी है जिसने रियलिस्टिक जो इकदाम किए हैं। सर क्वेश्चन जो है वो तो काफी हो गए, अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जो माइनर जा रहे हैं एक सजेशन मैं देना चाहता हूँ। मैं एक छोटे सा ये बताना चाहता हूँ, रिप्रेजेंटिंग दीप यू नो बिजनेस कम्युनिटी, तो फाइनेंशियल मैटर्स एंड इकोनॉमी के जो मामला हैं ना जी, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिला देता हूँ, 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो आपको याद होगा कि कुछ दिनों के लिए पीएमएलएन भी उनके साथ इश्तराक था और डार साहब जो साहब डार साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक में कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी अटेंड करने गए और वहां से निकल के कहा कि पाकिस्तान के खजाने खाली। जी 3 मंथ्स के लिए पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बंद रही थी, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 1971। जी आज मैं आप सिर्फ ये करना चाहता हूँ, बड़े सीनियर माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि जब भी एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल डिबेट के ऊपर जो मर्जी लड़ाई झगड़ा करें, प्लीज इकॉनमी एंड फाइनेंस के मामले में टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज द मनी फ्लो एंड दी यू नो जो इन्वेस्टमेंट्स आने हैं, दिस इज वेरी सेंसिटिव। सेकेंड इनको एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बना लीजिए और सियासत को और मईशत को अगर उनको तफरीक उसमें कर लें, उनको दोनों को अलहदा कर लें, बेशक एक सारी पार्टी मिलकर एक कोई ऐसा कमीशन बना लें, लेकिन एक चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर अग्री कर लें। क्योंकि पिछले 20 सालों में जापान में कोई तकरीबन 1 दर्जन नए
وزیر اعظم آئے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, لیکن ان کی معاشی پالیسی جو ہے وہ ایک ہی رہتی ہے. ہم اس کی کلوز کر لیتے ہیں, وقت ہمارا چونکہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. صرف میں ایک پیپلز پارٹی کے منشور میں سب سے پہلے ہم نے بات کی ایوان بالا میں اور ایوان دونوں کی مشترکہ کمیٹی بنائی. بہت شکریہ آپ کا میم, آپ کا بہت شکریہ سیر کامران صاحب, ڈاکٹر فرید فراز صاحب, شبلی فراز صاحب, مفتا اسماعیل صاحب, اور ہمارے پینل کا یہاں پر بہت شکریہ. بہت شکریہ ویورز, ہم نے ایک پربخت گفتگو کی. اکانومی کے سبجیکٹ بڑا اہم سبجیکٹ ہے, اور میرے خیال میں اس کا ٹیک اوے یہی ہے جو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے اینڈ میں کہا کہ ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے. جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے, اگر جو کوئی مثبت پہلو ہیں پچھلی حکومت کے معیشت کے میدان میں, تو ان کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ اس سے ہم باہر نکلیں. اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے سمراج سے میں, آپ اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی مستفید کریں. سید انوار الحسن اور سائمہ مینہاس کو آج کی گریٹ ڈیبیٹ سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.